फाइबर, ऊर्जा और एंटीऑक्सीडेंट। पहले हम देखेंगे फाइबर युक्त अनाज, उसके बेस्ट एग्जाम्पल है गेहूँ और राई का आटा। गेहूँ में सबसे ज़्यादा फाइबर की मात्रा होती है। गेहूँ मैग्नीज से समृद्ध होता है। राई का आटा, अगर आप फाइबर के रूप में गेहूं के आटे से अच्छा कुछ देखना चाहते हैं तो राई का आटा उससे अच्छा विकल्प है। ऊर्जा यानी एनर्जी, ऊर्जा का बेस्ट एग्जांपल है पनीर। 100 ग्राम पनीर में 98 किलो कैलोरी पाई जाती है। पनीर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे सलाद में भी इस्तेमाल किया जाता है। भुट्टा, कॉर्न, 100 ग्राम भुट्टे के दाने में लगभग 365 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। औषधि गुणों से भरपूर भुट्टा दिल व दिमाग को मजबूत व ताकतवर बनाकर दुरुस्त रखता है। एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल है लहसुन। लहसुन में सबसे अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। भोजन में एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। लौंग, रोज़ाना 5-6 भुनी हुई लौंग का सेवन पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज़ और पेट दर्द जैसी परेशानियों को दूर करता है।